ललितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखामितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुवच्य कृपा सिंधु वयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णाय नमः ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मोकं करति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्तुपां तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंदय माधव श्री कृष्ण चैतन्य स्परम अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकर करुणावतार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो सारे वैष्णवों को स्वागतम, सभी को प्रणाम। तो आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी का लीला चरित्र का शायद ही अंतिम दिवस हो सकता है, देखते हैं। तो हम कुछ समयों से रघुनाथ दास गोस्वामियों का जीवन चरित्र को मनन कर रहे हैं, श्रवण करते हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी मीन्स महाप्रभु का लीला, रघुनाथ दास गोस्वामी मीन्स वैष्णवों का लीला, रघुनाथ दास गोस्वामी यानी कृष्ण का लीला। ऐसा हो नहीं सकता है भक्त के बारे में चर्चा हो रही है भगवान नहीं आए उस कथा में। ऐसे भी नहीं हो सकता है भगवान के बारे में चर्चा हो रही है भक्त ना आए। भगवान का लीला भक्त के लीला के बिना अधूरा है। अधूरा क्या है? शुरुआत ही नहीं हो सकती है भक्त के बिना भगवान का लीला। और भक्त का चरित्र भगवान के बिना भक्त का भी क्या चरित्र है? भगवान के बिना भक्त का भी क्या चरित्र है? तो हम सबका परम सौभाग्य है श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा से हम हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की जीवन चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। तो श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज अभी ब्रज क्षेत्र में पधारे। ब्रज में रूप सनातन के साथ में उनको दर्शन किए, उनके साथ में उनका बड़ा चैतन्य महाप्रभु की गूढ़ लीलाओं को, बड़ा अंतरंग लीलाओं को वो जो है वहां पर चर्चा किए। रूप सनातन बड़े आनंद विभोर होकर महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण कर रहे थे, बड़ा भाव विभोर होकर। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है अप्रकट के बाद और सर्व दामोदर गोस्वामी का अप्रकट के बाद अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जो है विरह का बड़ा अनुभव कर रहे हैं, और उसी विरह के कारण वो लीलाचल क्षेत्र छोड़कर ब्रज क्षेत्र में आ गए, ब्रज वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आकर अभी वो उनका भजन को कहीं गुणा बढ़ा दिए। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जब ब्रज में आए तो क्या किए, 1000 प्रणाम तो भगवान को करते थे दिन में, 1000 प्रणाम भगवान को।
2000 प्रणाम वैष्णवों को डबल, भगवान को 1000 में तो वैष्णवों को डबल कर, और साथ साथ में कितना 1,00,000 नामों को जप करते थे। 1,00,000 नामों को जप करते थे। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनका भोजन क्या होता, क्या लेते थे भोजन, लाचल में वर्ण लेते थे, मगर जब वो ब्रज में आए उनकी भजन में प्रवीणता बढ़ गई और उनकी दैहिक कार्य और घट गया, शारीरिक कार्य और घटा दिए। भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति में प्रगति हो रहा है कैसे पता चलेगा, क्या मापदंड है? जितना शारीरिक कार्य कम हो रहा होगा, जितना आध्यात्मिक भगवान का भजन क्रिया बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपका भजन, आपका भक्ति बढ़ रही है। जितना शारीरिक, पहले 2 चपाती खा रहे थे, भजन भजन करने के बाद 10 चपाती खाने लगे, तो कहां भक्ति में प्रगति हुई, अब बताइए। पहले 8 घंटा सोते थे, भजन में भजन करने के बाद, भक्ति में आने के बाद अभी 12 घंटा सोने लगे हम, तो शारीरिक कार्य तो बढ़ा दिया हम लोगों ने। भक्ति में आने के बाद सुबधा व्यक्ति का जीवन में एक शुभ वातावरण आ जाती है। और विशेष करके भक्त जो है चिंता से मुक्त हो जाता है, भौतिक क्लेशों से, क्लेशाग्नि। भक्ति कैसा है? क्लेशाग्नि, क्लेशों को जलाने वाला है भक्ति। जब भक्ति करते हैं हम तो हमारा क्लेश धीरे धीरे जलता है, खत्म होता है, तो क्लेश खत्म होती है तो भक्त को बड़ा आनंद आता है। भक्त क्या करता है? प्रसन्नता में रहता है। अभी वो ये सांसारिक क्लेश, सांसारिक वातावरण से वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता, जिसके कारण इतना चिंता मुक्त हो जाता है, बढ़िया से नींद ले लेता है। कोई टेंशन बाजी नहीं, कोरोना चल रहा है अपना रास्ते, हमारा चल रहा है अपने रास्ते, खाओ पियो मजा करो भजन करो। कुछ दिन पहले हमारे देहोती पुत्र प्रभु जी कह रहे थे, हिमाय उधर क्या कर रहे हो? हरि बोल, हरे कृष्णा, जय। तो देहोती प्रभु कह रहे थे कि प्रभु जी मेरे साथ में जितने लोग कंपनी में काम कर रहे थे वो लोग का सैलरी बहुत था। अब मंदिर में ऑब्वियसली घर गृहस्थी है, मगर मंदिर में तो कमी दी जाती है। तो बोले प्रभु जी मेरे से डबल ट्रिपल लोग सैलरी लेते थे, मगर प्रभु जी लॉकडाउन में उन लोग का हालत खराब है, घर में बैठे हुए हैं, ना पगार ना क्या है, मेरा मजा है, मैं तो बढ़िया भजन भी हो रहा है साथ साथ में मेरा पगार भी कट नहीं है, मंदिर में हूं। भक्त के जीवन में आनंद आ जाती है। संसार में लोग खाने के लिए परेशान, रहन सहन के लिए परेशान। आप बॉम्बे में चले जाएंगे, कोई आप बॉम्बे में देखेंगे लोगों का रहन सहन, हमें राघव करुणा प्रभु, घनश्याम प्रभु, ये लोग सब बॉम्बे का अनुभव किए हुए हैं, कैसे रह रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों जैसा रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहते हैं, बारिश हुआ तो पानी में भीगते हैं, ठंडी में, ठंड को, खैर बॉम्बे में ठंड तो नहीं है, बारिश में, और गाड़ी घोड़ाओं का इतना आवाज, पॉल्यूशन इतना है, खाने के लिए दो रोटी के लिए लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं बॉम्बे में, इतना मेहनत करने पर भी वो व्यक्ति जो है शांति से खा नहीं पाता है। हम वैष्णव भक्तों के लिए देखिए, भगवान का कृपा है, कोई चिंता नहीं है। भगवान दे देते हैं, भगवान दे देते हैं। तो भगवान भक्तों को सुरक्षा करने के लिए, भक्तों को भजन में और प्रगति कराने के लिए भगवान उनको हमेशा जो है उनकी हर इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। अगर इसको नहीं दूं ये भाग जाएगा भजन से, मुझे छोड़ देगा कहीं, भगवान बोलते ठीक है थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा देते हैं थोड़ा लेते हैं, ऐसा करते करते भक्तों को हिला डुला के उनको मजबूत कर देते हैं। कभी कभी तो हमको प्राप्ति भी होती है, कभी कभी छीन भी लेते हैं भगवान, बोलते ये उसके लिए बाधा ले लेते हैं। तो भक्त क्या करता है, छीनने पर भी
अपना भजन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, मिलने पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आज है तो भी भजन करते हैं, कल नहीं है तो भी भजन करेंगे, लेकिन भक्त का भाव ये रहता है। रघुनाथ दास गोस्वामी अभी उनका भजन जो है काफी प्रवीण हो गया, लाख नाम जप करते थे दिन पर, और साथ साथ में राधा कुंड के तट पर राधा कुंड का पुनर्जागरण पुनरुद्धार एक प्रकार से उसको निर्माण कार्य जो है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये राधा कुंड देखिए, हमने कल बताए थे ये राधा कुंड ये पूरा संसार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कोई है राधा, श्री राधा कुंड। जब भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड का वध कर दिए तब नारद जी आए कंस के पास, बोले कंस महाराज क्या कर रहे हो आप, जिसको भी भेज रहे हो ये नंदलाल तो सबको मार देता है, तो क्या करे नारद जी, आप ही कुछ उपाय बताइए। नारद जी कहते हैं कोई ऐसे राक्षस को भेजो जिसको भगवान ना मार पाए। बोले किसको, ले आपके पास वृषभ है, वृषभ अरे सांड के रूप में है ना एक राक्षस, हाँ अरिष्ट अरिष्ट है मेरे पास, अरिष्ट को भेजो। बोले अरिष्ट भेजने से क्या होगा, अरिष्ट को कृष्ण नहीं मारेंगे। बोले के क्यों, अरे कृष्ण गो ब्राह्मण हिताय, गोवंश का रक्षा करने वाले गोवंश को क्यों मारेंगे वो। देखो एक प्रकार का उनका इमोशनल के साथ ब्लैकमेल करने वाले थे, इमोशनल के साथ खेल खिलवाड़। नारद जी चाहते थे ये वृषभ क्या करेगा, कंस वगैरह तो ये वृषभ जाके क्या करेगा कृष्ण को। नारद जी बोले कि ये राक्षस का भी उद्धार होना चाहिए, ये रह जाएगा तो कैसे चलेगा, तो इसको भी भिजवाना है। तो नारद जी आके कहे कि इसको भेजो, ये जाएगा बड़ा शक्तिशाली है ये वृषभ और भगवान इसको मारेंगे नहीं, अब इसको आप भेज दीजिए। तब कंस ने अरिष्ठासुर को भेजे, अरिष्ठासुर बहुत बड़े सांड के रूप में थे, ये राक्षस था और बहुत शक्तिशाली था जी, बहुत शक्तिशाली था। ब्रज में जब कदम डाला उस चलता था तो कहते हैं कि भूमि जो है कांपता था, इतना भयंकर राक्षस था ये, बहुत विकाल रूप वाला सांड था ये जाके जब यमुना में कूदता था यमुना से बाढ़ आ जाता था ब्रज में, सोचो कितना खतरनाक राक्षस होगा ये। जब यमुना में प्रवेश करता ये राक्षस अरिष्टासुर, यमुना का पानी ब्रज में आ जाता, इतना भयंकर राक्षस था। और इस राक्षस का दहाड़ से अरिष्टासुर जब दहाड़ता था तब गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था, इतना भयंकर दहाड़ होता था उसका। आप सोच सकते हैं ये कितना भयंकर दहाड़ होगा, गर्भपात गर्भ वाला स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था, गर्भ खत्म हो जाता, बड़ा भयंकर राक्षस था। तो भगवान देखिए ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हो रही है अरिष्ठासुर के वजह से, तो भगवान ने क्या किए, अरिष्ठासुर को वध कर दिए श्री कृष्ण ने। अरिष्टासुर को वध जिस दिन किए उस दिन रात्रि को ब्रज गोपियों के साथ रास खेलने जब आए राधा रानी और उनकी जो सखियां थे, बोले हे कृष्ण नजदीक मत आना, आप हमको स्पर्श नहीं कर सकते हो। कृष्ण बोले क्यों क्या हुआ, बोले कि अरे पापी। बोले पापी, मैं क्या पाप किया, पापी है आप गोवंश का वध किया। अरे थोड़ा भी दया नहीं दिखाया तू, गो जात का वध करके आया है, हमको स्पर्श मत करो, आप पापी हो गए। मतलब कैसे पाप, वो तो राक्षस है। लेकिन अरिष्टासुर भले ही राक्षस है मगर शरीर तो उसका गोजात का था ना, आप कैसे वध कर दिए उसको, तो उसका पाप आपको लग गया है, हमको स्पर्श मत करिए, हमको स्पर्श करोगे क्या हम भी पापी बन जाएंगे। बोले अरे राधे ये क्या बात करते हो आप। बोले किरे कान्हा तू शास्त्र नहीं पढ़ा है क्या। बोले कि शास्त्र तो मैंने पढ़ा नहीं, बाबा जो जो बोलते थे भागवत में सुनता था। अब बताइए भगवान कहते मुझे शास्त्र नहीं पता है, मैंने पढ़ा नहीं कभी, बाबा बोलते नंद बाबा को भी भागवत पढ़ते तो हम सुन लिए हैं थोड़ा बहुत, बाकी हम शास्त्र तो नहीं पढ़े। मेरे नंदलाल शास्त्र में आप भागवत में अगर भागवत सुने हो तो
तो भागवत में आप वित्रासुर कथा तो सुना होगा, शरीर था राक्षस का मगर महान भक्त था वो। उसको जब वध किया गया, इंद्र के द्वारा वध हुआ, तो इंद्र को वैष्णव अपराध लग गया। आपने ये कथा नहीं सुनी? हाँ जी, तो यहां पर क्यों नहीं लगेगा? भले ही वो राक्षस था मगर शरीर गो जात का था, इसलिए आपको पाप लगा, गोहत्या का पाप लग गया कृष्ण आपको। भगवान बोलते हैं कि अगर गोहत्या का पाप लग गया तो फिर क्या किया था? बोले कि जाओ सारे संसार भर में जितने तीर्थ है सारे तीर्थ में आप स्नान करके आओगे तो शायद आपका पाप मिट जाएगा। भगवान बोले कि सारे तीर्थों में अभी क्यों जाओ, मैं सारे तीर्थों को यही बुलाऊंगा। राधा रानी हंसने लगी, ब्रज गोपियां हंसने लगे कि अरे लाला तू क्या सारे तीर्थों की आप बुला लेगा, इतना शक्तिशाली है तू। बोले कि आप लोग तमाशा देखते रहो। और कृष्ण एक एक जन का नाम बुलाते बुलाते बुलाए, गंगा जी, मैया जी, हे यमुना मैया जी, हे सरस्वती मैया जी, सभी को बुलाए। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सभी को बुलाए, सारे नदी एक एक करके। और भगवान अपने चरण से जमीन में ऐसे जोर से लात मारे, एक गड्ढा हो गया और वो सारा एक एक नदी आके वहां पर बोलते थे हे प्रभु मैं गंगा हूं करके बोल के वहां प्रवेश करते थे। गोदावरी आके प्रणाम करके बोलता प्रभु मैं गोदावरी हूं करके, और ये पूरा गोपियां और राधा रानी देख रहे थे। प्रकट रूप से नदियां आके उस कुंड में प्रवेश किए। तो सारे तीर्थ जब वहां आ गए, कृष्ण जो है उस तीर्थ उस जल में उस कुंड में पानी में स्नान किए। बोले कि अरे गोपियां, हे राधे, देखो अभी तो मैं सारा तीर्थ में स्नान कर लिया, मेरा तो सारा पाप मिट गया, आप लोग भी स्नान कर लो, हम नहीं स्नान करेंगे। बोले कि आप लोग, मैं तो चलो गोहत्या करके पाप को ले लिया, पापी बना था तो मैं स्नान करके मेरा पाप धुल गया, आप लोग वो राक्षस का सपोर्ट करके आप पापी बन गए, अभी आपको स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग पापी बने रहोगे। राधा ने बोले कि नहीं, हम आपके कुंड में नहीं स्नान करेंगे। बोले क्यों, क्या हो गया? बोला कि आप पापी हो, उस कुंड में स्नान किए तो ये आपका पाप उस कुंड में छोड़ दिया तो पूरा जल पाप पूर्ण हो गया, हम अगर वहां डुबकी लगाएंगे वो पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, हम नहीं स्नान करेंगे। तो बड़ा विचित्र है आप गोपी लोग तो। तब बोले कि हम अपना कुंड बनाएंगे। बोले आप अपना कुंड बनाओगे? बोले बिल्कुल, बनाओ। तो राधा रानी गोपियां सब मिलकर कैसे खोदे पता है? अपनी जो कंगन, कंगन है ना हाथ में जो पहनते हैं कंगन, वो कंगन को निकाले, वो कंगन से राधा रानी और गोपियां उसको गड्ढा बनाए वहां पर खोद खोद कर कंगन से। तो एक गड्ढा बना और बना के बाद वहां पर जाके वो कुसुम सरोवर से जल लेके आते, थक गए गोपियां। फिर भगवान क्या किए, लेकिन हे राधे बड़ा सुंदर कुंड बनाए राधा रानी ने, उस कुंड में राधा रानी गोपियां स्नान किए। और यहाँ पर श्याम कुंड में प्रभु श्याम सुंदर स्नान किए, और स्नान करते हुए वो लोग जल क्रीड़ा किए। भगवान ने इस कुंड का पानी को उछाल कर राधा कुंड में डाले, और राधा कुंड में राधा रानी और सखियां पानी को उछाल कर श्याम कुंड में डाले। कृष्ण बोले कि हे राधे, फिर कृष्ण राधा कुंड में आके स्नान किए, फिर गोपियां श्याम कुंड में आके स्नान किए। ये तो एक लीला होना था, तो ये लीला को रचाए भगवान ने। जब स्नान किए, कृष्ण बोले इस संसार में मुझे सबसे प्रिय कोई है तो राधा रानी है, तो इसलिए है राधे आपका बना हुआ ये कुंड राधा कुंड भी मेरा सबसे प्रिय है। रात से मैं कहता हूं कोई भी इस कुंड का आके प्रणाम करता है, स्मरण करता है, इसमें स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम मेरा प्रेम में प्रदान करूंगा। हे राधे, हरि बोल, राधा कुंड की जय हो। राधा रानी कहते कि इस विश्व ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक भौतिक जगत में मिलाकर मुझे कोई प्रिय है तो हे आप, हे कृष्ण आप मेरे प्रिय हैं। इसके कारण ये श्याम कुंड मेरा प्रिय है, जो इस श्याम कुंड का शरण लेता है और इसमें स्नान करता है उसको मेरा कृपा प्राप्त होगा, राधा रानी का कृपा प्राप्त होता। भगवान बोले कि राधे मेरा कृपा डायरेक्टली मिल ही नहीं पाएगा जब तक आपका कृपा नहीं मिलता है, राधा का कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रज में ब्रजवासी गण राधे 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 बोलते रहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, मगर चिल्लाते हुए बोलने से राधे राधे श्याम नहीं मिलने वाले हैं जब तक हम हमारे आचार्यों को, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों को, कौन है ब्रजवासी असलियत में,
ब्रज को पुनरुद्धार किए, ब्रज को खोद के कौन निकाला, महाप्रभु ने निकाला। ब्रज के सारे लीला स्थलियों को कौन खोज के निकाला, महाप्रभु के भक्त लोग निकाले, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सड़ गोस्वामी वृंद निकाले। तो हम जब सड़ गोस्वामी वृंद की चरण कमलों को, चरण चिन्हों को अनुसरण करते हुए भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब हम वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी उसी राधा कुंड के तट पर बैठकर भजन करते थे। तो उनके मन में जैसे ही ये इच्छा प्रकट हुई कि मैं राधा कुंड श्याम कुंड का परिधि निर्माण, परिधि माफ कर उसको निर्माण करूं भक्त लोगों के लिए, तो सेठ जी जो है केदारनाथ के थे, केदारनाथ जी की कृपा से उस राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुई अच्छे से। आज भी वैष्णव लोग ला जाके राधा कुंड के तट पर बैठ के श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते, वहां पर पांच पांडव आज तक है, लोग राधा कृष्ण लीलाओं को स्मरण करते, भजन करते वहां पर रहते हुए। तो जब तक भक्तों हम महान वैष्णवों की पदचिन्हों को अनुसरण नहीं करेंगे, उनकी चरण कमलों को आश्रय लेते हुए हम भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा भजन जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्ण परतः सतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानम् अदंत गोभीर्विशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा। हे पिताजी, प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, पिताजी मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा, मति कभी भी भगवान कृष्ण की चरण कमलों में स्थिर नहीं हो सकता है। क्यों बेटा? मिथो भी पद्येत गृह वतानम, घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान की चरण कमलों में मति को लगाना बहुत कठिन है पिताजी। आदंत गोभीर विशतांत मित्रम पुनः पुनर्चर्वणा चर्वणानम। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, आपने असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं, और बार बार उसे बचाते हैं जिससे पहले से ही वो चुवाया जा चुका है, चुवाते हैं जो पहले से चुवाया जा चुका है। हाँ जी, भौतिकतावादी लोग अपनी इंद्रियों को संयम नहीं करने के कारण वो क्या करते हैं, जो मेहनत करते हैं सुख के लिए, वो कहते हैं कि चबाया हुए को चबाने जैसा है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना अपने निजी प्रयासों से, ना ही दोनों के मिलाकर कभी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है जी। मतिर न कृष्ण परतो सतोबा, अपनी स्वयं का साधना से कृष्ण के प्रति उनकी मति नहीं लग सकती है। मिथोपद्येत गृहव्रतानाम, मिथो अभी पद्येत, ना किसी की आदेश उपदेश से हो सकता है, वो चबाए हुए चीजों को ही चबाते हैं। मान लो उनके पिताजी बोलेंगे कि हे प्रहलाद, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं हो सकता है, कृष्ण तो हर जगह पे है प्रहलाद, तो कृष्ण हर जगह में है तो क्यों कृष्ण की चरण में हम मति नहीं लगा सकते, कृष्ण हर जगह पे, कहीं पर भी कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है। बोलते नहीं नहीं पिताजी, बहुत मुश्किल है, ये नहीं संभव है। फिर कैसे संभव है फिर बेटा, अगर मान लो उनके पिताजी पूछे फिर कैसे संभव, कैसा है, कैसे संभव हो सकती है भगवान के चरण कमलों में अपना मति लगाना। फिर प्रहलाद जी कहते हैं, नैसा मति स्वाब दुर्क्रमांगे रे पदर्थ मही असंपादर जो विषेकम निष्किंचनानाम नवृणीत यावत। कहते पिताजी, जब तक नैसम्मतिस्ता बदुरुक्रमांग्री, हे पिताजी, जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों की चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगा लेते हैं, मही यसंपाद रजो अभिषेकम, जब तक शुद्ध भक्तों की चरण रजो से अपना अभिषेक नहीं कर लेते हैं, अपना
तब तक निष्किंचन आनाम नवरणीत जावत। निष्किंचन भक्त कहते हैं, निष्किंचन जिनका कोई इच्छा नहीं। देखिए यहाँ पर प्रभुपद निष्किंचन का अर्थ कहते हैं उन भक्तों का जिन्हें इस भौतिक जगत में कुछ भी लेना देना नहीं, उसको निष्किंचन कहते हैं। निष्किंचनानम नवनीत जावत, ऐसे भक्तों की चरण रजों से जब तक हम पादरजो अभिषेकम, उनके चरण रजों से जब तक अभिषेक नहीं करते हैं, तब तक पिताजी ये संभव हो ही नहीं सकता है कि हम भगवान की चरण कमलों में हमारा मति लग जाए, ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए परम वैष्णवों की चरण कमलों की चरण रज जब तक हम अपने माथे पे नहीं धारण करते हैं, यानी उनके चरण चिन्हों के, उनके चरण पद चिन्हों पे अगर नहीं चलते हैं, तब तक हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं अपनी साधना पर, अपने बल पर। योग्यता विचारी किछ नहीं पाए, योग्यता विचारे किछ नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा, तुम्हारा करुणा सारा। योग्यता विचारे किछ नहीं पाए, योग्यता विचारे किछ नहीं पाए, तुम्हार करुणा सारा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना रखी बार प्रभु, प्राण ना रखी बार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे, कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे। तो गुरुदेव को प्रार्थना क्या कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, जब योग्यता के बारे में विचार कर रहा हूं मेरे, मेरा क्या योग्यता है, मेरा भक्ति, भक्ति करने के लिए योग्यता है कोई हमारे अंदर, क्या योग्यता है जी, कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, बहुत ढूंढ लिया है, बहुत दिमाग को जोर दे के ढूंढा कि मेरे अंदर कुछ योग्यता है क्या भगवान को प्राप्त करने का, किछु नहीं पाई, कुछ भी नहीं मिल पा, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ मुझे, एक भी गुण नहीं है, एक भी अधिकार नहीं है मेरा। फिर तुम्हारा करुणा सारा, आपका करुणा ही सार है। अभी ये तो मैं समझ गया कि मेरा तो कोई योग्यता नहीं है कृष्ण को प्राप्त करना, आपकी करुणा सार है जी गुरुदेव, हे वैष्णव आपकी करुणा ही सार है। फिर करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, अगर करुणा नहीं होगा है गुरुदेव, कांदिया कांदिया रोते रोते प्राणो ना राखी बोआर, प्राण नहीं रखूंगा और प्राण नहीं रखूंगा मैं अगर आप करुणा नहीं करेंगे तो, यानी मेरा पूर्ण जीवन मैं आपकी करुणा के ऊपर आश्रित है। भौतिक संसार के लोग धन धन के प्रति आश्रित है, संपदा के प्रति आश्रित है, परिवार स्वजनों के प्रति, मगर वैष्णवगण गुरु वैष्णवों का करुणा के प्रति आश्रित है। गजेंद्र जी ने आश्रित किसका ऊपर आश्रित लिया, भयंकर ग्रहा जब उनको पकड़ा गजेंद्र को, गजेंद्र तो पहले अपना बल के प्रति आश्रय लिए, खुद की बल से प्रयास किए बाहर निकलने के लिए। अब गजेंद्र लीला सब लोग सुने हैं, गजेंद्र लीला सुन रहे हैं ना सब लोग, एक बार सब लोग आंख खोल दो तो अपना अपना आंख खोलिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, बोलिए प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गजेंद्र ने पहले अपने बल के प्रति आश्रय लिया, मेरे बल से मैं बच जाऊं, नहीं हो पाया, सामने उनके स्वजन थे, पत्नी बंधु बांधव, उनके शरण
ना कोई बंधु बांधव, सब साइड हो गए। हम कुछ नहीं कर सकते अपने बल से, कितना साल, हजारों साल उन्होंने लड़ाई किया ग्राहक के साथ, अंत में निज बल प्रति चेष्टा करिया भरोसा छाड़िया, निज बल प्रति भरोसा छाड़िया, हमारे बल के प्रति हमारा भरोसा टूट गया। मेरा जो बल है उस बल में कोई भरोसा नहीं है, अभी धोखा दे देता है कि नहीं देता है? हमारा बल, हमारा सामर्थ्य, हमारा ज्ञान धोखा नहीं दे देता है? बड़े बड़े साइंटिस्ट धोखे खा गए आज कोरोना के वजह से, कहाँ गया उन लोग का दिमाग आज कहाँ चला गया जी? इतने बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैद्य हैं, डॉक्टर से, उन लोग का कहाँ चला गया उन लोग का बुद्धि आज? फेल हो गए एक छोटा सा वायरस। वो एक महात्मा कोई कह रहे थे कि पूरा कोरोना वायरस संसार भर का इकट्ठा करेंगे तो 2-3 ग्राम का होगा। वो 2-3 ग्राम का वायरस के सामने घुटने टेक दिए बड़े बड़े लोग। कितना होगा वायरस का वजन करो, वायरस को सबको इकट्ठा करो, दुनिया भर में जितना कोरोना वायरस उसको वजन करोगे वो कितना वजन होगा? 1 ग्राम भी नहीं होगा, आधा ग्राम भी नहीं होगा, इतना वायरस दिखता कहाँ है इतना वायरस? और उस वायरस के सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स घुटने टेक दिए आज। कहाँ गया आपका बल, कहाँ गया आप लोग का बुद्धि, कहाँ गया आपका डॉक्टरेट? बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में आपने डॉक्टरेट पास किए थे, कहाँ चला गया आप लोग का सामर्थ्य? निज बल प्रति भरोसा छाड़िया, अपने बल के प्रति जब तक भरोसा होगा तब तक कृष्ण हमको कृपा नहीं कर सकते हैं जी। द्रौपदी महारानी ने किन किन की शरण में गई, जो बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे सामने। गजेंद्र जी का उदाहरण है, अंत में उनको शरण लेना ही पड़ा भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण के प्रति। हे प्रभु, अभी मेरा शक्ति के प्रति मेरा भरोसा नहीं है, आप रक्षा करिए। वो ही द्रौपदी साथ हुआ, पतियों की 5 पति है, मुझे क्या बिगड़ देगा कोई, ये धोखे में थी बिचारी। 5-5 पति है, किनका 1 पति है तो पूरा जीवन भर सुरक्षित है, मेरा तो 5 पति है। और उसमें भी गांडीवधारी अर्जुन है, धर्मराज युधिष्ठिर है, गदाधारी भीम है, हाँ जी 20,000 हाथी का बल लेके घूमने वाला भीम, मुझे कौन क्या कर लेगा बताइए। महाभारत हाँ युद्ध से पहले ही पूरा हाँ वो अपना हस्तिनापुर साम्राज्य की राजभवन में हजारों लाखों सेनाओं के बीच में द्रौपदी भीख मांग रही है प्राण बचाने के लिए, मेरा लज्जा बचाने के लिए, कोई सामने नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? इसके लिए संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति के प्रति भरोसा करना ये हमारा मूर्खामी हो जाएगा जी। हमारे आचार्यगण पूर्ण शरणागत थे वैष्णवों के प्रति। अगर वैष्णवों के प्रति इतना शरणागत नहीं होते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी 2,000 प्रणाम क्यों करते वैष्णवों को? हाँ जी, भगवान को 1,000, वैष्णव को 2,000, 3,000 भगवान का करना चाहिए था। यानी भगवान से ज्यादा भरोसा वैष्णव के प्रति था, यही है ना? वैष्णव के प्रति जो भरोसा था रघुनाथ दास गोस्वामी का, उनका भरोसा भगवान से दुगुना था उनके प्रति, वैष्णव के प्रति। बोले पता नहीं भगवान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, परिस्थिति आने पर वैष्णव मुझे रक्षा कर लेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, हे कृष्ण करुणा सिंधु या वांछा कल्प तरु वैश्य कृपा सिंधु वय वचा, आप करुणा सिंधु है वैष्णव क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, क्या 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 है भगवान का प्रणाम मंत्र में? करुणा सिंधु और हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, दीन का बंधु हो, करुणा का सिंधु हो, और गोपेश गोपी का कांत, गोपियों का आप कांत कांत हो, गोपी कांत हो, गोपी कांत। वैष्णव के प्रणाम मंत्र में पंचा कल्पतरु कल्पतरु भस्य कल्पतरु, आप करुणा सिंधु हो, आप तो करुणा तब करते हो जब आपका कोई बहुत खूब आश्रय लेगा, सब छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब आप करुणा करते हो जी। करुणा करने के लिए भी कंडीशन है आपका, ऐसे करुणा थोड़ी कर लेते हो आप। फिर दीन बंधु, आप दीन बंधु हो तो दीन तो बनना पड़ेगा ना, हमारा स्थिति दीन है नहीं है, हम तो अपने आप को बड़े बड़े लाड साहब मान के बैठे हुए, तो हमारा दीन तो स्थिति है नहीं, तो आपका हमारा हमको कृपा करने वाले
अभी आप दीन बंधु, तो मैं दीन नहीं हूं ना भाई, मेरे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अभी भी मुझे बहुत कुछ चाहिए। तो वैष्णव के प्रणाम मंत्र देख लीजिए, कल्पतरु भस्य, वैष्णव ऐसे हैं मुझे जो चाहिए वो दे सकते हैं वैष्णव। आप दे सकते हो क्या? नहीं, कृष्ण बोलते हैं कि कंडीशन है, मेरा शरण में आओगे तो कृपा करूंगा। वैष्णव शरण लेने का जरूरत नहीं, इच्छा करो वैष्णव देंगे। वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु वचः, कृपा सिंधु, ये लोग कृपा के सिंधु के बराबर। उसके आगे पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप करुणा सिंधु है जी, दीन बंधु है, मगर वैष्णवों को तीन तीन उपाधि दी गई है। हाँ, क्या क्या? कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वह वच पतितानं पावनेभ्यो। दीन होंगे तो आप दीन बंधु बनेंगे ना, मगर ये लोग क्या है? वैष्णव, हम आपका शरण लेते हैं तो आप कृपा करते, वैष्णव हमारे पास आके कृपा करते, ये अंतर है। कृष्ण पास नहीं आएंगे, कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। जगन्नाथ पास नहीं आएंगे, जगन्नाथ जी के पास जाना पड़ेगा। वैष्णव के पास जाने का जरूरत नहीं, वैष्णव पास में आएंगे, ये वैष्णव का कृपा है। प्रभुपाद जी के पास नहीं आए थे पाश्चात्य देश के लोग, प्रभुपाद उनके पास गए थे। समझ में आ रहा है ना? कौन ज्यादा कृपालु है, कृष्ण ज्यादा कृपालु बने कि प्रभुपाद जी बने? हाँ जी, प्रभुपाद के पास नहीं आए थे, कृपा करिए महात्मा जी, प्रभुपाद उनके पास जाके कृपा करें। तो देखिए, वैष्णव हमारा जो गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, उसका आधार कोई है तो वैष्णवों के चरणों में शरण लेना, यही आधार है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन, प्रवीण खूब भजन करते, राधा कुंड श्याम कुंड का वहां पर पुनरुद्धार हुआ, एक प्रकार से उनका निर्माण किए बढ़िया से, और बैठकर भजन करते राधा कुंड में। ध्यान से सुनिए, राधा कुंड में बैठकर रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, और नाम लेते लेते आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, शरीर गदगद हो रहे, रोमांच कंप असुर तरंग भाजो, शरीर एकदम गदगद हो जाता है जब नाम उच्चारण करते हैं, तो एक नाम लेते कंठरुद्ध हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी का स्थिति ऐसे पहुंच गया, दिन रात रोते भगवान का नाम लेते लेते, राधा कुंड के तट पे बैठकर, राधा कुंड के सामने बैठ के भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे। एक बार की बात है, बड़े ध्यान मग्न हमेशा रहते थे। एक बाघ, उस समय तो पूरा जंगल था, आज अब राधा कुंड में जाएंगे तो पेड़ पौधा थोड़ा कम मिलेंगे, उस समय जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन करते, पूरा जंगल ही जंगल था। बाघ को, जो बाघ टाइगर है, उसको प्यास लगा तो आ गया राधा कुंड की जल को पान करने के लिए। रघुनाथ दास तो आंख बंद कर भगवान का नामों को स्मरण कीर्तन कर रहे थे, वो बाघ आके पानी पी रहा है। अभी देख लो, ब्रजेंद्र नंदन एक लठिया लेते हुए, वही ग्वाला जो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, जिनको ब्रह्मा ईश्वर प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो गोविंद आज एक लठिया लेकर, एक लाठी लेकर, एक दंडा लेकर वो उस तरफ खड़े हैं, उस तरफ राधा कुंड की उस तरफ। इस तरफ ये राधा कुंड है, इस तरफ भगवान लाठी लेके खड़े हैं, यहाँ बाघ पानी पी रहा है, और यहाँ पर रघुनाथ दास भजन कर रहे हैं। अब भगवान वो लाठी लेके बिल्कुल एकदम उनका नजर बाघ के ऊपर है, थोड़ा भी रघुनाथ की तरफ आएगा तो फिर उसको मैं बता दूंगा आज। बताइए कौन ज्यादा, हाँ, कितना हमारे आचार्य लोगों के प्रति भगवान का आसक्ति देखो। अभी ये भक्त भगवान के प्रति आसक्त थे या भगवान भक्तों के प्रति आसक्त है, यहाँ पर देख लीजिए। वो तो भगवान का नाम के प्रति इतना आसक्त थे कि नाम को जप कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं आगे क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया कुछ नहीं पता है रघुनाथ दास गोस्वामी का, और यहाँ भगवान लाठी लेके खड़े। उससे पहले एक लीला हो गई, पहले रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के भजन कर रहे थे, एकदम कड़क धूप था, एकदम कड़क धूप, और उस समय
धूप को सहन करते हुए। रघुनाथ दास को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना धूप ना ठंडी ना गर्मी ना क्या, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर राधा रानी बोली कि अरे अरे, मेरा बेटा यहाँ पर भजन कर रहा है, इतना कड़क धूप में खड़े होकर भजन कर रहा है। राधा रानी क्या की, वो आ गई, आके वो अपनी पल्लू को, साड़ी की पल्लू को ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी की ओर कर दी कि माँ, ये माँ होती है। पता नहीं फोटो मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। तो राधा ने आके दुकाने को पढ़ा, और ये रघुनाथ दास को पता ही नहीं था। उनको बाद में सनातन जी बोले कि अरे रघुनाथ, कोई कुटीर बना के भजन करो, क्यों आप धूप में बैठते हो यहाँ ब्रज में? हम लोग किसके लिए आए थे रघुनाथ? हम लोग आए थे यहाँ पर भगवान का सेवा पूजा करने के लिए, भगवान को सेवा में लगाने के लिए थोड़ी आए थे हम। ये दूसरी बार का कथा है। राधा कुंड में भजन करते तो भगवान वहां पर लाठी लेके खड़े हैं, तो वहां बाघ तो चला गया। सनातन गोस्वामी आके बोले रघुनाथ, कोई कुटीर बना के भजन, देखो हमारे आचार्य क्या विरक्ति, देखो कौन कुटीर बना के रहेगा, क्या करना है? कुटीर बनाएंगे तो आसक्ति है मेरा घर है करके, भाड़े के घर, घर में जो रहते उनका क्या आसक्ति है? भाड़ा 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 दे रहे रेंट में है तो आज नहीं तो कल तो जाना ही है यहां से। यही यही मूड में रहते हैं ना कि आप लोग, भाड़े वाले भी यही सोचते हैं कि बस यही मेरा परमानेंट घर, यही रहना है। भाड़े वाले तो यही सोचते हैं भाई पता नहीं कभी भी उठा लेगा ये घर मालिक ने, कभी बोलेगा तू यहां से निकल तो निकलना पड़े, है कि नहीं? तो हम भाड़ाटिया हैं, रेंट वाले हैं, तो हमेशा यही सोच, मेरा घर नहीं है, अगर जिनका खुद का नाम पर रजिस्ट्रेशन है, सुमन मेहता के नाम पर अगर रजिस्ट्रेशन है तो सुमन मेहता को सोचना चाहिए कि भाई ये कृष्ण का नाम का रजिस्ट्रेशन है, नाम तो मेरा डाल दिया गया है, ठीक है? या तो विनीता मिश्रा जो भी है, अगर सुमन मेहता नहीं तो विनीता मिश्रा हो, जो भी है, अगर नाम रजिस्ट्रेशन है तो बोले आपका नाम भले ही रजिस्ट्रेशन हो मगर वो है कृष्ण का है। हम भाड़े पे हैं जी यहाँ पर, उस समय के लिए भाड़े पे हैं। रघुनाथ दास बोलते क्या अपना कुटीर हो जाएगा, फिर मेरा यही आसक्ति हो जाएगी कुटीर के प्रति, इसके लिए हमारे गोस्वामी का एक दिन एक पेड़ के नीचे तो दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे, तीसरे दिन तीसरे पेड़ के नीचे, बोले एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहना है, आसक्त हो जाए उस पेड़ के प्रति, कहीं बोले ये पेड़ मेरा है, यहाँ और कोई नहीं आ सकता है। कितना अलर्ट रहते थे, देख ले आप देख रहे हो कितना अलर्ट है, बड़ा सूक्ष्म बात है, और एक कोई पेड़ के प्रति कैसे आसक्त हो जाएगा कोई पेड़ के पास रह के, बड़ा सूक्ष्म बात है, मगर इतना आसक्त थे, इतना मीन्स सोचते थे सूक्ष्म बातों को, यहाँ आसक्त हो जाएंगे हम, यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के पास जाके देते। और हम लोग तो क्या क्या इकट्ठा नहीं करते, मेरा मेरा करते हुए। तो खैर रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले आपको कुटीर बना के भजन करो रघुनाथ। रघुनाथ दास अंत समय पर बड़ा एज हो गया था, नाम जप और प्रवीण, वो जब थोड़ा छाछ पीते थे वो छाछ पीना बंद, दो चार पांच दिन सात दिन में एकदम जब स्मरण आ जाता, कोई आके बोलता कि थोड़ा सा छाछ पी लीजिए तब पीते, अब ऐसा स्थिति हो गया। भजन और बढ़ा दिए रघुनाथ दास, दिन का दिन प्रतिदिन भजन बढ़ रही है घट रही है ये हमको मापना चाहिए, मेरा भजन में मन ज्यादा बढ़ रही है या भजन में मन अभी घट जा रही है, ये हमको माप तोल करनी चाहिए। अगर रोज का रोज हमारे नाम के प्रति, कथा श्रवण के प्रति, वैष्णव सेवा के प्रति, भगवान के प्रति अगर रुचि बढ़ रही है तो हमारा भक्ति प्रगति है, अगर घट जा रही है दिन का दिन हमारा, रुचि कम हो रहा है, कथा में नींद आती है, जप में नींद आने लग गया, पहले तो बड़ा बढ़िया से जप करते थे, शुद्ध नाम हम पहले पहले बहुत शुद्ध नाम कर लिए हैं, आहा माला लेते ही आंखों से आंसू, हरे कृष्णा क्या नाम लीला मिला है मुझे, उस समय हम अनुभव किया है नाम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो स्थिति कहाँ चला गया आज दो चार पांच साल छह साल में, दीक्षा लेने के बाद तो फिर अब सोच ही लो, अभी तो पूरा पंडित ही बन गया मैं, भगवान का पूरा कृपा हो गई मेरे ऊपर, गुरुदेव ने सारा पाप छीन लिया मेरा, कहते हैं ना लोग दीक्षा के समय गुरुदेव सारा पाप ले लिए, मैं तो अभी फर्स्ट क्लास सो सकता हूँ, सारा पाप से मुक्त हूं मैं अभी,
भाई दीक्षा के बाद इनिशिएशन यानी शुरुआत, शुरुआत दीक्षा के बाद भजन का शुरुआत होती है। दीक्षा के बाद लोग सोचते हैं अभी तो रिटायर लेना है, भजन हो गया बहुत, अभी तो बस ना आराम से आनंद ले मजा करे। नहीं जी, दीक्षा मीन्स शुरुआत हुई है भजन, अभी तो शुरुआत है, पता नहीं कब तक गाड़ी खींचा जाए। तो खैर, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन, अब यहाँ सनातन गोस्वामी आके बोले रघुनाथ कुटीर बना लो, ठीक है आज्ञा, जैसे आज्ञा आपका, छोटा सा कुटीर बना के। अभी आज्ञा देख लीजिए, हमारा जीवन वैष्णव के आज्ञा के ऊपर निर्धारित है, आज्ञा के ऊपर है। हम लोग आज भजन कर पा रहे कोई ना कोई वैष्णव की आज्ञा प्राप्त करके जी, बिना आज्ञा का नहीं हो सकता है भजन, वैष्णव का आज्ञा। हमारे आचार्य लोग भजनों में लिखते हैं आपका आज्ञा हो तो, भगवान आज्ञा लेते, महाप्रभु दक्षिण भारत जाने के लिए आज्ञा ले रहे एक एक जन के पास जाके, सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने हाथ जोड़ के बोलते सार्वभौम आपका आज्ञा हो तो मैं जाना चाहता हूँ साउथ इंडिया। स्वरूप दामोदर के सामने आके भगवान आज्ञा मांग रहे हैं, हद हो गया आज भगवान आज्ञा मांग रहे, भगवान स्वतंत्र है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले तुम्हें स्वतंत्र है इस पर, आपको आज्ञा मांगने का क्या जरूरत है प्रभु। यानी भगवान भी ये सिखाते हैं हमको कि वैष्णवों के आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना है। महाप्रभु जब निमाई सरकार, निमाई पंडित थे, जो गंगा में स्नान करने जाते निमाई, तो क्या करते, वो गंगा में जाते जानबूझ के स्नान करते समय वो पानी फेंक देते वैष्णव के ऊपर, तो पानी फेंक देते स्नान करके के पानी फेंक देते, वो वैष्णव लोग बोलते कि, और पानी फेंकते उनके कपड़ा ले लेते लेके धोने लगते, बोलते कि अरे निमाई क्या कर रहे हो, ये देखो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध पानी उसके ऊपर आ गया तो अशुद्ध हो गया, मैं तो अशुद्ध था पानी ऊपर डाल दिया तो अशुद्ध हो गया, आपके कपड़ा को धो देता हूँ। अरे निमाई तो हम लोग का कपड़ा क्यों धोता है बेटा, तो देखो आप लोग जानते हो जब तक आप वैष्णव का कृपा नहीं होगा मैं भजन नहीं कर सकता, निमाई बोल रहा है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं जब तक वैष्णव का हाँ कृपा नहीं होगा तब तक उनका आज्ञा के बिना कुछ नहीं संभव, नहीं है संभव है। रघुनाथ दास गोस्वामी स्मरण किए, उनकी इच्छा हुआ तो राधा कुंड के लिए भगवान आयोजन कर लिए, सब तैयारी कर लिए, पैसा भेज दिया, ऐसे शुद्ध भक्त। तो हमारा जीवन आज्ञा के ऊपर निर्धारित है। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे आज्ञा करके कुटीर बनाकर भजन किए, भजन करते समय खूब प्रवीण भजन था, रोते थे दिन रात, इतना रोते थे आप पूछो मत, अनर्गल रोते थे, आंखों से अश्रु प्रभाव एकदम आप कंटिन्यूसली होता था। रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन आके सॉरी रूप गोस्वामी आके देखे, अरे रघुनाथ तो दिन रात रोता है। तो उन्होंने क्या किए, रघुनाथ दास के लिए दो ग्रंथ रचना किए, ललित माधव विदग्ध माधव, उसमें राधा और कृष्ण की बड़ा गुह्य लीलाओं को रचना किए उन्होंने, ताकि लीलाओं को कम से कम पढ़ के रघुनाथ दास गोस्वामी के तो विरह थोड़ा सा शांत हो सकता है। आप देखिए रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे विदग्ध माधव ललित माधव, वो ग्रंथ लाके रघुनाथ को ले, रघुनाथ ये आप लीजिए, ये ग्रंथ को अध्ययन करिए। रघुनाथ दास गोस्वामी इस ग्रंथ को अध्ययन किए, उनका विरह शांत नहीं हुआ, विरह और बढ़ गया, राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं को पढ़कर उनका विरह और बढ़ गया, रोना और बढ़ गया उनका। अभी सनातन जी कुछ दिन के बाद आके देखे रघुनाथ का हालत खराब है, रो रो के इतना रो रहे। रूप गोस्वामी के पास आके बोल रहे आपने क्या दिया उसको, किसको, बोले रघुनाथ को, रो रहा इतना रो रहा है। बोले कि अरे उसको तो विरह को मैं शांत करने के लिए विदग्ध माधव दे के आया था, अरे वो पढ़ के तो ज्यादा रो रहा है आजकल कृष्ण के विरह में। तब तुरंत रूप गोस्वामी और एक ग्रंथ रचना किए, तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए रचना किए, वो ग्रंथ का नाम है दान केली कौमुदी। ये ग्रंथ को रचना किए, रचना उसमें क्या रचना किए, उसमें राधा कृष्ण का बड़ा हास्यास्पद लीलाओं को रचना किए, हास्यास्पद, कृष्ण का चोटी खींच लिया गोपी ने, कृष्ण का चरण खींच लिया,
कि कृष्ण ने राधा रानी का कपड़ा चुरा लिए, ऐसे सब मजेदार लीलाओं को उन्होंने थोड़ा हास्यास्पद रचना किए। दान केली कौमुदी ये लाख और लाके देखे बोलते रघुनाथ वो जो आपको विदग्ध माधव दिया ना उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखना बाकी, कुछ कुछ बाकी रह गया, त्रुटि रह गया उसको दो और ये पढ़ो अभी, ये तब तक मैं पूरा करके लाता हूँ। बड़ा चालाकी से फिर दान केली कौमुदी दिए, बड़े अंतरंग लीलाओं को स्मरण करते हुए अंत समय तक नाम नहीं छोड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी, अंत समय तक नहीं छोड़े, नाम लेते लेते भगवान का स्मरण करते हुए अंत्य नारायण स्मृति। देखिए हम जो भी कार्य करते हैं जी, हम इसी के लिए करते हैं कि भगवान का कभी विस्मरण ना हो, हमेशा स्मरण रहे भगवान, इसी के लिए हम लोग भजन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। अंत्य नारायण स्मृति, अंत में नारायण राधा कुंड के आसपास रहते थे, वो सुबह सुबह आए कि रघुनाथ दास गोस्वामी का आशीर्वाद लो, उनको उनका कृपा लेने के लिए आए बिठलनाथ। तो आके देखे उनका कुटीर का दरवाजा बंद है, अभी तक रोज देखते तो बैठ के जप करते रहते, आज दरवाजा ही बंद है, अभी तक दरवाजा खुले नहीं है। दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खटखटाए तो अंदर से आवाज आ रहा है, बड़ा भारी आवाज आ रहा है, बोलते आज मेरा शरीर बड़ा भारी भारी लग रहा है, मैं मन से खाए थे। कभी आप लोग भी ट्राई करना मन से खाने के लिए, एक दो दिन मन से खाएं, चपाती मन से बनाए, मन से खाए मन से ग्रहण किए। तो ये लीला रघुनाथ दास गोस्वामी का था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना इस संसार का लीलाओं को समाप्त करते हुए अपने नित्य लीला, भगवान का नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद परमहंस, नित्य लीला में प्रविष्ट किए रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री कृष्ण के चरणारविंद में मैं संसार के लोगों को शिक्षाएं दिए कि किस प्रकार से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। इसके लिए संबंध अभिधेय जो प्रयोजन, प्रयोजन का आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी बने हैं। प्रयोजन कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए कैसे साधना करना है, कैसे भजन करना है, वो रघुनाथ दास हमको सिखाए। तो हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र को स्मरण करते हुए उन्होंने किस प्रकार से महाप्रभुओं के आदेशों को पालन किए, किस प्रकार से वैष्णवों का आदेशों को पालन करते, किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का
ओके तो धन्यवाद आप सभी भक्तों को, आप लोगों ने मेरे दुर्मुख से दुर्वचनों को इतना दिनों से श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोग महान हैं। अगर ये कथा रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला कोई शुद्ध भक्त अगर सुनाते, कोई प्रेमी भक्त अगर सुनाते, तो इस कथा को हम लोग और भी अच्छे से हम जो आस्वादन कर सकते थे, मगर मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की लीलाओं को आपको प्रयास किया, कुछ लीलाओं को ऐसे आचार्य लोग का लीला तो कितना ही बताओ उतना कम है, फिर भी प्रयास किया थोड़ा बहुत कुछ बताने के लिए। तो अगर इस लीला बताने के बीच में कुछ कठोर वचन होगा, कुछ आचार्यों की नियमों के विरुद्ध होगा, कुछ वैष्णव फिलोसफी के विरुद्ध बात बोल दिया होगा, तो आप लोग उदार हृदय से मुझे क्षमा कर लेंगे। आप सभी दयालु हैं, आप मुझे क्षमा करिए और आप लोग से आशीर्वाद का याचना करता हूँ। हम रघुनाथ दास गोस्वामी की लीलाओं को जैसे श्रवण किए, आगे हम वैसे रूप सनातन का लीलाओं को, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदियों का भी लीला चरित्रों को हम श्रवण कर पाए। एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा क्या हुआ कहते हैं ना, बहुत ज्यादा फायदा मेरा हुआ, लाभ मुझे हुआ, क्योंकि मुझे काफी चैतन्य चरितामृत को पढ़ना पड़ा, चैतन्य भागवत को अध्ययन करना पड़ा, भक्ति रत्ना करके कुछ पाठ को अध्ययन करना पड़ा, श्रवण करनी पड़ी कुछ लेक्चर्स को, तो नोट्स बनाना पड़ा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि काफी मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में इतना कभी मैंने पढ़ा नहीं था, आज तक मैंने इतना दिन से यानी ज्वाइन किया हूँ भक्ति में, मगर मैं इतना रघुनाथ दास गोस्वामी का थोड़ा बहुत पता था कुछ लीला, मगर आप लोग की कृपा से आप लोग को सुनने के लिए इतना तत्पर थे, इसलिए मैं तैयारी करने के लिए मैं प्रयास किया थोड़ा बहुत। तो धन्यवाद वैसे, थैंक यू सो मच। हम देखते हैं फिर मंडे से या ट्यूजडे से बाकी वापस। उस भक्तों का ये निवेदन था कि हमारे जो हमारे आचार्य हुए मध्वाचार्य के बारे में हमको श्रवण कराए, कुछ भक्त कह रहे थे, तो होगा तो हम दो तीन क्लास में मध्वाचार्य के लीलाओं को श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर वापस हम लोग अपने गौड़े वैष्णव का लीला चरित्र को गोस्वामी का श्रवण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।